तो भाई लोगों देखो, आज की वीडियो में खतरनाक वाला चैलेंज करेंगे ग्रीनी गेम को। सब खेलते हैं इजी मोड लगा के, लेकिन आज मैं हार्ड मोड लगा के खेलने वाला हूँ। चलो लगाते हैं। ओहो, एक्सट्रीम इसे नहीं लगाएंगे, हार्ड ही लगाना काफी रहेगा, क्योंकि एक्सट्रीम में तो वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वैसे बाकी में हार्ड मोड खेल रहे हैं, इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चैलेंज कर रहे हैं, मतलब ये देखते हैं कि आज ग्रीनी गेम में हम क्या कुछ कर पाते हैं। वैसे डे वन ही है, वैसे सही बताऊँ तो डिफिकल्टीज हार्ड है, तो हार्ड का मतलब होता है कि ग्रीनी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होगी, और जो आप शॉर्ट गन से या फिर क्रॉसबो गन है उससे यदि आप ग्रीनी को सुलाते हो तो वो बहुत ही कम समय के लिए सोने वाली है। तो वही आज हम करने वाले हैं मेरे हिसाब से। मेरे को लगता है अभी तो कमरे से बाहर भी निकला हूँ, निकल मेरे को फुटस्टेप आ रहे हैं उसके, और निकलूँ क्या? ओ भाई साहब यार, मतलब मैं तो यार मैंने तो दरवाज़ा खोला ही था केवल, मतलब कोई मतलब यार हिलने भी नहीं दे रही है ये तो भाई। मतलब हार्ड मोड कुछ ज़्यादा ही कठिन है क्या? मैं सही बताऊँ तो आज एक खतरनाक चैलेंज करेंगे कि आज यदि मेरे को क्रॉसबो मिलती है तो मैं क्रॉसबो से मारने का इसको ट्राई करूंगा, और यदि शॉर्ट गन बन जाती है तो शॉर्ट गन से। तो देखो बहुत ही खतरनाक चैलेंज कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज तो जब कंप्लीट करेंगे तब निकलने देगी यहाँ से, वो निकलने तो दे। ओ रे 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 भैया यार, क्या है ये सब? अरे भाई मतलब हट ही नहीं रही अपनी जगह से। वैसे मेरे पास इसके लिए एक सीक्रेट आइडिया है, वो आइडिया ये कि जैसे मेरे पास ये बोतल है छोटी सी, मैं इसको पीछे की साइड से, चीज़ क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है ये पता नहीं क्या है। मेरे पास एक सीक्रेट बैंगन है और ये जाती नहीं, देखो मैं इधर साइड साउंड करूँगा, जैसे ही इधर साइड आएगी मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊँगा उधर साइड से। तो यहाँ पर मैंने साउंड कर दूँ क्या? ये देखो कर दिया, अभी ग्रीनी इधर साइड आएगी और देखो इधर साइड आएगी, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। ओ यहाँ पर मैं भाग जाऊँगा। देखो आज की वीडियो में चैलेंज ये है कि मेरे को जो शॉर्ट गन मिलती है तो शॉर्ट गन, और ये तेज़ इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, मतलब आपके लिए हम क्या ही बोले। यदि मेरे को शॉर्ट गन मिल जाती है तो मैं शॉर्ट गन से इसे मारूंगा। वैसे यदि आपको पता होगा, आपने ये गेम खेला है तो ये आपको पता होगा कि शॉर्ट गन से यदि आप ग्रीनी को मारते हो तो वो भाई पूरे ढाई मिनट के लिए सोती है, और यदि क्रॉसबो से मारते हो तो दो मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि अगर हार्ड मोड पर सेलेक्ट करने के बाद वो कितनी देर के लिए सोएगी। तो यहाँ पर ग्रीनी पीछा कर रही है हमारा, लेकिन वाकई में हम उसे बच चुके हैं, तो वाकई में अब हम शॉर्ट गन बनाने का ट्राई करेंगे। वैसे मेरे को मिलता क्या क्या अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हाँ ए शॉर्ट गन, ए पार्ट ऑफ शॉर्ट गन, तो शॉर्ट गन का आगे वाला जो पार्ट है वही होता है। मतलब शॉर्ट गन को बनाने के लिए तीन पार्ट चाहिए होते हैं ना, तो ये सबसे आगे वाला पार्ट है। वैसे यदि मेरे को इससे अलग दो पार्ट और भी चाहिए जो कि उनके बिना शॉर्ट गन नहीं बन सकती है, तो अपना चैलेंज भी कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन इनमें कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने सोचा शायद इसमें कुछ मिल सकता है। देखो ऐसा होता है कि हार्ड मोड जब सेलेक्ट कर लेते हो तो मेरे को लगता है कुछ और भी खास चीज़ मिल सकती है, लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ एक और पार्ट मिला, मतलब ये शॉर्ट गन का पीछे वाला पार्ट है। यदि मेरे को एक और भी चीज़ मिल जाती है तो शायद मैं अपना मतलब कि एक मिशन कंप्लीट कर सकता हूँ, और वो मिशन ये कि ग्रेनी को शॉर्ट गन से या फिर क्रॉसबो से मारना है। तो मेरे हिसाब से यदि मेरे को एक और चीज़ मिल जाती है तो अपन लोग कंप्लीट कर सकता है, वो भी शॉर्ट गन से ग्रेनी को मारने का चैलेंज। वाकई में एक दमदार चैलेंज है। तो जो ग्रेनी यहाँ पर आ चुकी है तो मैं वो शॉर्ट गन के जो पार्ट है, मतलब हैंडल जिसको बोलते हैं, उसको ला सकता हूँ। वाकई में मेरे पास दो पार्ट हैं, और यदि मैं तीसरा पार्ट और भी मेरे को कहीं मिल जाता है तो मेरी शॉर्ट गन बन के तैयार हो जाएगी। तो आखिर में ये चैलेंज हो जाएगा मेरा कि शॉर्ट गन से ग्रेनी कितनी देर के लिए सो सकती है यार। तो यहाँ पर वैसे तो मेरे को दो ही पार्ट अभी तक मिले हुए हैं, मैं अब सीधा इसे लेके जा सकता हूँ, क्योंकि ग्रेनी उधर साइड गई है जहाँ से मैं भी थोड़ी सी मैंने हल्की सी साउंड किया था, और यहाँ पर मेरे को दिखाई भी नहीं दे रही है। तो देखो भाई लोग, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। वैसे वाकई में देखो मेरे को यार तीसरा पार्ट भी मिल गया, मतलब अपन लोग की शॉर्ट गन बन के तो लगभग तैयार हो ही गई है यार, सही में। मतलब ये पार्ट ऑफ शॉर्ट गन, तो ये उसका हैंडल नहीं, ये खटका होता है, मतलब ये होता है जिससे आप फायर करते हो ना, वो ये मतलब एक मेरे को जो ऊपर पार्ट रखा हुआ है वो मेरे को यहाँ पे लाके लगाना है। जैसे ही मैं इसको लगा देता हूँ तो हमारी शॉर्ट गन बन के तैयार हो जाएगी, बस हमको ग्रेनी को सुलाना है बस। वैसे यदि आपको अभी तक भी विश्वास नहीं हुआ कि मैंने हार्ड मोड सेलेक्ट कर रखा है तो आप खुद देख लेना, जब मैं उसको शॉर्ट गन से मारूंगा नहीं तो वो भाई मात्र एक मिनट के लिए ही सोने वाली है। मेरे हिसाब से इतना ही है क्योंकि मैंने सुना है कि यदि आप हार्ड मोड सेलेक्ट करके ग्रेनी को मारते हो तो वो मात्र और मात्र एक मिनट के लिए सोती है। तो आप लोग भी वही देखने के लिए आया है कि एक मिनट के लिए सोती है क्या? तो देखो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी साउंड कर दिया तो ग्रेनी आएगी कंपलसरी रूप से, और देखो इसकी स्पीड तो देखो आप मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब कहीं भी आप थोड़ी सी भी साउंड करोगे तुरंत आएगी। और यदि इजी मोड सेलेक्ट कर रखा है तो वहाँ पर नहीं आने वाली, तो मैं थोड़ा सा इसका पागल बना रहा हूँ, अगर देखना चाहता हूँ क्या करती है ये। वैसे बाकी में देखो अब हमको चल लेना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे बंदे को हम गोल गोल घुमाएंगे तो हो सकता है हमको यहीं पकड़ ले और दबोचे और सीधा पटाख से हमारे हेडशॉट दे। तो यहाँ पर मैंने अलार्म भी बजा दिया, तो जैसे ही ऊपर की ओर आएगी तो मैं यहीं पर इसको, ओ भाई ट्रैप भी बिछा रखा है इतना, तो यहीं पर हम इसको मारने वाले। ओ भाई साहब देखो, देख सकते हो ग्रेनी इज नाउ गॉन फॉर अबाउट वन मिनट्स, मतलब ग्रेनी एक मिनट के लिए जा चुकी है। और ये तो आपको पता ही होगा यदि आप इजी मोड सेलेक्ट करते हो तो ढाई मिनट के लिए सोती है, ऐसा ही है ना। तो देखो आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके भाई ने एक बहुत ही बड़ा मिशन पार कर दिया है। चलो थोड़ा सा और भी खेल के देख लेते हैं, वैसे इतना ही काफ़ी है।
क्योंकि हार्ड मोड के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक होता है खेलना, ये तो आपको पता ही होगा। जब इजी मोड में ही मतलब कि पिट जाते हैं तो हार्ड मोड कितना ज्यादा कठिन हो सकता है यह तो आपको खुद पता है। वैसे यहाँ पर मेरे को स्क्रू ड्राइवर मिला हुआ है, तो स्क्रू ड्राइवर से मैं क्या क्या कर सकता हूँ वही चीज देखेंगे आज यहाँ पर। तो इसको मतलब स्क्रू ड्राइवर जो है इसके पास एक भाई एक छोटा सा मतलब बॉक्स है, इसको हम खोल सकते हैं। यहाँ पर मिलता क्या है, तो यहाँ पर मिली है हमको भाई कार की, तो कार की को हम यूज कर सकते हैं उसकी डिग्गी को खोलने के लिए। तो उसकी डिग्गी को खोलेंगे और डिग्गी में देखते हैं क्या चीज़, यदि कोई खास चीज़ मिलती है तो आगे को मिशन चलाएंगे, यदि कोई बकवास चीज़ मिलती है तो हम आगे को मिशन नहीं चलाएंगे। और यहाँ पर मेरे को बर्ड फूड मिला जो कि ज़्यादा काम का है नहीं। तो भाई लोगों तो आपको ध्यान से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यदि और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो।